तक मैं आंसुओं में बात कर रही थी। तुम्हारे पापा अगर यहाँ होते तो वो एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करते। पराई लड़की को तुम इस घर में लेकर आए। हमें तो बस बलदेव सिंह और शारदा देवी को नीचे उतारते रहना है। शारदा देवी जनता में अच्छा बनना चाहती है ना, हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है उनकी छवि को बिगाड़ने का। तुम्हारे स्वागत की तैयारी कैसी रही सोनाली? बस दीदी, यहाँ तो खलबली मच गई। माझी ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही कि उनकी रागिनी की जगह मैं लेने आई। कैसे बर्दाश्त कर लिया तुमने? मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो जहाँ है उसे वहीं रहने दो, कहा था ना? तुम हमेशा कहा करती थी और मैं भी इस बात को मानता था कि घर एक पवित्र जगह होती है जहाँ संस्कारों की शिक्षा मिलती है, जहाँ सुकून मिलता है। घर की पवित्रता कभी भंग नहीं होनी चाहिए और मैंने ऐसा कभी नहीं होने दिया शारदा। लेकिन तुम्हारा बेटा एक पराई लड़की को घर ले आया और तुमने बर्दाश्त कर लिया? मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। मैं दोबारा राजवीर को घर से निकालना नहीं चाहती। अगर मैंने उस लड़की को घर से निकाला तो राजवीर भी उसके साथ चला जाएगा। मैंने आपसे कहा था कभी कभी घर के हालात ऐसे होते हैं कि घर टूटने की नौबत आ जाती है, उस वक्त खुद को संभालने की जरूरत होती है, घर को टूटने से बचाने की जरूरत होती है। शायद इसीलिए मैंने आज तक अपने आप को संभाल के रखा। और वो लड़की, वो क्या सोचकर इस घर में आई है? क्या उसे ये नहीं मालूम कि राजवीर शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी है? या फिर वो इस बात का फायदा उठा रही है कि रागिनी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है? पता नहीं क्या बात है, वो तो यही कह रही है कि राजवीर के साथ उसके नाम जोड़कर बदनाम कर दिया है उसे और वो किसी और की हो भी नहीं सकती। अगर उसे बदनामी का इतना ही डर था तो फिर उसने राजवीर को घर में रखा ही क्यों? मैं तुम्हें कह रहा हूं शारदा कि अगर अपने घर को सचमुच बचाना चाहती हो तो उस लड़की को निकाल कर बाहर करो। क्या सोचने लगी तुम? आज के आज उसे निकाल कर बाहर करो। अगर वो गई तो राजवीर भी घर से चला जाएगा, वो तो जिद में है। अब तुम भी मेरी बात मानना नहीं चाहती, मेरी बात का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। सत्ता मेरे हाथ से क्या गई, मेरे बात की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। पहले बेटा हाथ से निकल गया और तुम भी। मैंने तुमसे कहा था ना कि दूसरी पार्टी बना लो, लेकिन तुमने ये बात मानने से भी इनकार कर दिया। मैंने तुमसे कहा था कि राजवीर जहां रह रहा है उसे वहीं रहने दो, लेकिन ये बात भी तुमने मानने से इनकार कर दिया। अब मेरे बारे में ऐसे मत सोचिए, ऐसे मत कहिए। तो फिर सोच क्या रही हो तुम? अगर अपने बेटे के प्यार में पड़कर तुमने कदम नहीं उठाया तो ये मत सोचना कि मैं भी ये बात बर्दाश्त कर जाऊंगा। जिस दिन मैं वापस आऊंगा वो दिन उस लड़की का उस घर में आखिरी दिन होगा और मुझे ये बात का कोई असर नहीं पड़ेगा कि राजवीर भी उस लड़की के साथ घर छोड़कर चला जाता है। तुमने मेरे गले में हार डाल दिया और मैं खुश हो गई कि तुमने मुझे अपना लिया।
लेकिन तुम्हारे परिवार में से मुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं, कोई भी मुझे इस घर की बहू का दर्जा देने को तैयार नहीं है। सोनाली, कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है इसकी परवाह तुम्हें नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने प्यार का फर्ज निभाया है, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया। हाँ, लेकिन हर आदमी हमारे रिश्ते पर सवाल खड़े कर रहा है, तो क्या समझो मैं इस रिश्ते का? तुमने मुझे अपनी पत्नी मान ली, लेकिन इस घर में मुझे इस घर की बहू मानने से इनकार किया जा रहा है, हमारी शादी को शादी मानने से इनकार किया जा रहा है। ये समझ ही नहीं पा रही मेरी जिंदगी किस किनारे लगे। देखो, जिसे जो कहना है कहने दो, लेकिन मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें छोड़कर हर आदमी मुझे तुमसे अलग करने के मंसूबे बना रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या है उस रागिनी में जो मुझ में नहीं है। मैं रागिनी की जगह क्यों नहीं ले सकती? देखो सोनाली, रागिनी माँ की पसंद है तो वो तो उसी की बात करेंगे, लेकिन तुम मेरी पसंद, इसलिए तुमसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। और वैसे भी जब मैंने तुम्हें अपना मान लिया है तो बाकी सब भी तुम्हें अपना मान ही लेंगे। तुम्हारे लिए मुझे जिससे भी टकराना पड़े मैं टकराऊंगा। राजवीर, तुम्हें याद है जब तुम मुझे इस घर में लेकर आए थे तब माँ जी ने क्या कहा था? तो हमारा समाज एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी की इजाजत देता है और ना ही कानून। इस बेवकूफी को कोई स्वीकार नहीं करेगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन हूँ तो मैं अधूरी। इस घर में कोई भी मुझे इस घर की बहू बनने का अधिकार नहीं देना चाहता। अरे ठीक है, कोई अधिकार नहीं देना चाहता है तो ना सही, कम से कम प्यार तो दे। मुझे इस बात की तो तसल्ली रहेगी, मुझे अधिकार नहीं मिला लेकिन मुझे प्यार तो मिला। इस घर में आने के बाद मुझे भी इस परीक्षा से गुजरना है, सबका दिल जीतना है। मुझे जमानत पर छूट कर आए उससे पहले मुझे माँ जी का दिल जीतना होगा, और उसके लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो करूँगा। नहीं सुनाली, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं है। नहीं राजवीर, तुम मुझे नहीं रोकोगे। मुझे माँ जी के दिल में अपनी जगह बनाकर रहना है, और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी, क्योंकि तुम्हारे प्यार के लिए मैं कुछ भी करूंगी। इसलिए उनके दिल में जगह तो मुझे बनानी ही होगी। क्या कहा पापा ने? मैं क्या करूं मीनाक्षी, सबकी नजरें मुझे ही दोषी मानती है। राजवीर जो कुछ भी कर रहा है उसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूं। जिंदगी ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारे पापा मुझे ही गलत समझते हैं, मुझे ही इसका जिम्मेदार समझते हैं। भैया के इस कदम से हम सबको दुख हुआ है माँ, लेकिन उन्हें समझाने का कोई रास्ता नहीं है और उन्हें समझाया जा भी नहीं सकता। तुम्हारे पापा को भी समझाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे पापा को भी ऐसे लगता है उनकी पत्नी और उनका बेटा दोनों उनके नहीं रहे। दोनों की नजरों में उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन सर ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने तो आज तक वही किया है जो सर चाहते थे। उनकी एक बात मानने से मैंने इनकार कर दिया। उनके कहने पर मैंने दूसरी पार्टी का गठन नहीं किया।
मैंने उसे ठीक नहीं समझा, इसीलिए मैंने। लेकिन असल में कहा जाए तो आपका वो फैसला बिल्कुल सही था। जी हाँ माँ जी, नई पार्टी ना बनाने का आपका ये फैसला बिल्कुल सही था। जल्दी नई पार्टी बनाना कोई आसान बात थोड़े ना, इसमें अपना ही नुकसान होगा। मैं तो राजवीर से पहले ही कह रही थी कि नई पार्टी बनाना ठीक नहीं है। माँ जी, मैं जानती हूँ घर में मुझे रागिनी दीदी की जगह कभी नहीं मिल सकती, और माँ जी मुझे उनकी जगह चाहिए भी नहीं। अधिकार छीनने नहीं आई तो मेरी मजबूरी थी, मुझे राजवीर की बात मानकर उससे शादी करने के लिए हाँ करनी पड़ी। मैं ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि राजवीर की दूसरी पत्नी बनकर मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपने शादी कर ली। आपको पता है आपकी वजह से घर में जो तूफान खड़ा हुआ है वो कभी थमेगा भी कि नहीं पता नहीं। मेरे बस में होता तो मैं ये घर कब का छोड़कर चले जाती। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ राजवीर बहुत जिद्दी है, अगर मैं ये घर छोड़कर चली गई तो वो भी ये घर छोड़कर चले जाए। क्या हो रहा है सब? आज मैडम को मुख्यमंत्री से मिलने भी जाना था, उनसे मिलने का वक्त लिया था हमने। मीनाक्षी कहाँ रह गई तुम? कब से वेट कर रहा हूँ। माँ जी, आप मुझे माफ नहीं कर सकते। तुम्हें माफ कर देने से हमारी बदनामी तो खत्म नहीं होगी, और तुम्हें माफ कर देने से जो कुछ भी हुआ है वो बदल तो नहीं जाएगा। जिंदगी क्या बात है मीनाक्षी, उदास क्यों? जरूर सोनाली को लेकर ही कुछ बात हुई होगी। गलतियां भैया करें और आंसू माँ को बहाने पड़ते हैं। माँ को रोते देखकर आ रही हूँ कि एक तरफ पापा माँ को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और दूसरी तरफ भैया अपनी मनमानी करते रहते हैं। भैया को तो किसी बात की कोई परवाह ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि राजवीर जानबूझकर माँ जी को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। एमएलए राजवीर को बनना था और बन गई माँ जी, इसीलिए राजवीर बहुत सोच समझकर
माजी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। तुम ठीक कह रहे हो आदित्य, किसी से अगर कोई गलती होती है तो वो गलती सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन भैया वो तो गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। उन्हें ना पापा के मान सम्मान की कोई फिक्र है और ना ही माँ के आंसुओं की कोई परवाह है। मैं पूछता हूँ, माजी ने सोनाली को घर में घुसने ही क्यों दिया? राजवीर ने गलती की और फिर माजी ने राजवीर के साथ सोनाली को घर में रखकर उसकी गलती को बढ़ावा ही तो दिया है। क्या जरूरत थी माजी को उस बदनामी को अपने गले लगाने की? मुझे तुम्हारे घर के मामले में बोलने का हक नहीं, मगर तुम तो बोल सकती हो। समझ नहीं रहे हो आदित्य, माँ का दिल इतना कठोर नहीं हो सकता। अगर बेटा ऐसा हो तो माँ को कठोर होना ही पड़ता है। तुम्हें माजी को समझाना चाहिए कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। निकाल बाहर करे उस सोनाली को, वरना इस बदनामी से माजी लड़ नहीं पाएंगे और ना ही जनता में अपनी छवि को बचा पाएंगे। आदित्य, माँ तो पूरी तरह उलझ कर रह गई है। एक तरफ उन्हें अपने अंदर की ममता से लड़ना है और दूसरी ओर इस जमाने की दुश्वारियों से। राजवीर अगर घर में रहा तो ना जाने और भी कितनी दुश्वारियां खड़ी करता रहेगा, और सोनाली की वजह से लोगों में ही नहीं अब मीडिया में भी इस बात की चर्चा होगी। माजी ना लोगों की जुबान बंद कर सकती है और ना मीडिया की। क्या ये बात प्रदीप जी माजी को नहीं समझाते? वो समझाएंगे भी तो क्या आदित्य, वो भी तो घरेलू मामलों में दखल कम ही देना चाहेंगे। चाय? नहीं, चाय पीने का टाइम नहीं है अभी, हमें मुख्यमंत्री जी से मिलने जाना था। मैडम कहाँ है? माजी को मैं बुलाकर लाती हूँ, आप चाय ले लीजिए। चलिए प्रदीप जी। माजी, लेकिन मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ। आप निकलने वाली थी इसीलिए मैंने आपके लिए चाय बनाई। कम से कम चाय तो पी लीजिए। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे माफ नहीं कर सकते। तुम्हें माफ कर देने से हमारी बदनामी तो खत्म नहीं होगी। और तुम्हें माफ कर देने से जो कुछ भी हुआ है वो बदल तो नहीं जाएगा। भाजी, आपको क्या लगता है बदनामी सिर्फ आपके परिवार की हुई है? बदनामी तो मेरी हुई है, मेरा करियर तक खतरे में पड़ चुका है। बदनामी की वजह से ना जाने मैंने क्या कुछ खोया है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। सब क्यों हो रहा है माजी? मैंने राजवीर को अपना दोस्त समझा जब वो सड़क पर ठोकरे खा रहा था। मैंने उसे अपने घर में पनाह दी। मैंने सोचा भी नहीं था इसकी मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे जनता की इन समस्याओं को लेकर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप विधायक बन गई हैं, आराम से बैठिए, धीरे धीरे सब कुछ होता रहेगा। अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देखकर मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती और ना ही मैं चैन से सो पाऊंगी। जिंदगी एक भंवर है। माँ जी, अगर आप मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती तो शायद कोई नहीं समझ सकता। मजबूरी का मतलब ये नहीं होता है, तुम्हें अपनी मजबूरियों का एक बार जिक्र तो करना चाहिए था।
जल्दबाजी में तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उस वक्त तुम ये सोच बैठी थी अगर राजवीर ने तुमसे शादी कर ली तो बाकी सब लोग मजबूरी में तुम्हें अपना बैठेंगे। नहीं बाजी, मैंने राजवीर को अपना दोस्त समझा था, मजबूरी में नहीं समझा था। मैं मजबूरी के रिश्तों पर यकीन नहीं रखती, लेकिन आज खुद मजबूर हो चुकी हूँ। मैंने राजवीर को सड़क पर ठोकरें खाने से बचाया, खुद उन ठोकरों से घायल हो रही। मैं तो शायद कहीं की भी नहीं रह गई, कोई मुझे भीख में भी खुशियां देना नहीं चाहता। ना जाने सबकी नजरों में मैं इतनी बुरी क्यों। चलिए प्रदीप जी, मैं भी देखती हूँ माँ जी, कब तक आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करती। सर, शारदा देवी जी आ गई हैं। मैंने उनको बाहर वेटिंग रूम में बिठाया है। अरे रे 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 रे, अंदर लाओ उन्हें भाई, हमारे सीनियर लीडर की पत्नी हैं, विधायक हैं, हमें उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहिए। जाओ लेकर आओ पटा। ठीक है सर। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए जी। कहिए आप क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? मेरे क्षेत्र की जनता समस्याओं से जूझ रही है, सड़कें टूटी फूटी हैं, रोड में सारे खड्डे पड़े हुए हैं और स्कूल की दीवारें गिर रही हैं, मरम्मत का काम रुका हुआ है। अरे जनता की इन समस्याओं को लेकर आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप विधायक बन गई हैं, आराम से बैठिए, धीरे धीरे सब कुछ होता रहेगा। अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देखकर मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती और ना ही मैं चैन से सो पाऊंगी। और क्षेत्र की जनता को शिकायत है, बिजली की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है। देखिए, प्रदेश के पास जितनी बिजली है सबको उसी में बिजली देनी है, अब किस किस की शिकायतें दूर करेंगे। मैं आज भी मुख्यमंत्री जी से मिलकर आ रही हूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द जितने काम रुके हुए हैं वो काम शुरू हो जाए। लेकिन मैडम, आपके क्षेत्र की जनता आज आपसे ये जानना चाहती है कि आखिर क्षेत्र की जनता के साथ ये सौतेला बर्ताव कब तक होता रहेगा? मेरा बेटा इन रिश्तों का इतना अपमान करेगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी बहू। मैं तुम्हारा अधिकार किसी को नहीं दे सकती और ना ही तुम्हारा अधिकार कोई छीन सकता है। मैंने सोनाली को मजबूरी में घर में दाखिल होने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी जगह ले सकती है। उसे कभी भी मैं बहू का दर्जा दे नहीं सकती, कभी नहीं।